नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। टीकमगढ़ के शाने पार्क में स्वर्गीय गंगा प्रसाद बख्शी की 16वीं पुण्यतिथि मनाई गई। विधायक के श्रीवास्तव और परिजनों के साथ अन्य लोगों ने संघर्ष पुरुष गंगा प्रसाद बख्शी को पुष्पांजलि अर्पित की। विधायक के श्रीवास्तव ने कहा कि मेरे ऊपर कोई भ्रष्टाचार, दलाली या रिश्वत का आरोप नहीं लगा है। जो भी कार्य मैंने राजनीति में किए हैं वो निस्वार्थ और सेवा भाव से किए हैं। ये मेरे पिताजी और परिवार के संस्कार हैं। आज संघर्ष पुरुष स्वर्गीय बख्शी गंगा प्रसाद जी श्रीवास्तव की पुण्यतिथि है। उस लक्ष्य में आज नगर के साहित्यकार और शिक्षक परिजन पुण्यतिथि पर यहाँ श्रद्धांजलि सभा के नगर के होंगे। 9 दिसंबर को ये पुण्यतिथि का कार्यक्रम उनके साने टीकमगढ़ पार्क में हम सब करते हैं और 3 दिवस का कार्यक्रम आगामी 20, 21, 22 दिसंबर को वृहद स्तर पर अखिल भारतीय स्तर का कवि सम्मेलन, वो सबकी योजना भी बनी है। उस समय ये कार्यक्रम बख्शी जी के प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले कार्यक्रम की एक श्रृंखला है। जीवन में कभी गलत दिशा में न जाकर के लोगों के कल्याणार्थ निस्वार्थ भाव से कैसे काम में लगे और इसके पीछे हमें क्या मिल रहा क्या नहीं मिल रहा, इसमें हानि और लाभ नहीं देखना, बल्कि लोगों का कल्याण कैसे हो उस दिशा में आगे बढ़कर निस्वार्थ भाव से आगे चलते जाएं, सफलता जरूर मिलती है। और कभी घास फूस नहीं बनना चाहिए, उनका जो कहना था घास फूस नहीं बने, बड़े वृक्ष बने जिससे लोगों को छाया मिले। टीकमगढ़ से वंदना साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें न्यूज आज के साथ।